पंजाब में शिरोमणि अकाली दल ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र में घी, चीनी, बिजली से लेकर कई और लोक लुभावन वादों की झड़ी लगा दी गई है। पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल और डिप्टी सीएम की मौजूदगी में लुधियाना में मैनिफेस्टो जारी किया गया। इस चुनावी पिटारे में क्या कुछ खास है, ये आपको हम बताते हैं। गरीबों के लिए 25 रुपए किलो घी और 10 रुपए किलो चीनी देने का वादा किया गया है। हर 100 किलोमीटर के दायरे में एक एयरपोर्ट होगा। सभी गलियों और हाईवे पर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। कारोबारियों को 2 करोड़ टर्नओवर तक कोई बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं होगी। 20 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। मुफ्त बिजली की सीमा 8 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे होगी। सरकारी स्कूलों में 12वीं क्लास के टॉपर्स के लिए विदेशों में शिक्षा का इंतजाम होगा। सरकार बनने के 2 महीने के भीतर हर गरीब को गैस कनेक्शन और चूल्हा दिया जाएगा। हर शहर में वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। मोहाली और अमृतसर में 2 IT हब बनाए जाएंगे। वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन की राशि 500 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 2000 रुपए प्रतिमाह होगी। शगुन स्कीम में मिलने वाली राशि 15,000 रुपए से बढ़ाकर 51,000 रुपए होगी। 5 लाख लोगों को आवास की सुविधा के लिए 2,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। तो सत्ता में दोबारा वापसी के लिए शिरोमणि अकाली दल ने आज अपने चुनावी घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादों का ऐलान किया है, साथ ही जनता से उनका समर्थन भी मांगा है। लेकिन पंजाब की जनता अकाली दल का कितना साथ देगी, ये तो चुनाव के बाद ही साफ हो पाएगा। देखते रहिए डीवी लाइव।